ये तो क्यों थी तैयार होके चल दिए मार्केट में, और महंगा मिलेगा यार। घूमने के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, सुबह सुबह ओमवेज का नाश्ता किया मैंने सुना आपने। हाँ सही है ना, ये पहली बार आपने किया है आफ्टर। उसने गेट के दरवाजे से फोन नीचे गिरा दिया। जा मेरा फोन। ये तो ब्लॉग था पूरा। यही वही अरीशा। छोटा था ना जब मेरी कोई 32 कमर थी तब मैं ऐसे शलवार कुर्ते लगा था। छोटे में 32 थी, ये तो गौर करो। तो है तो है, माशाल्लाह खाते पीते करके बच्चे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या चल रहा है आजकल? सब ठीक ठाक है, फिट फाट है। वेलकम बैक टू ब्लॉग के अंदर। अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई करो करो, हो सकता है, मुझे पता है कि आप लोग कर दोगे, लेकिन चलो कोई नहीं, वीडियो को देख लो फिर सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना, कोई टेंशन वाली बात नहीं, वीडियो देख के करो यार, आपके पास इतना तो कर सकता है आपके लिए। तो खैर अभी बज रहा है 1:15 और आपके भाई ने जस्ट अभी से 5 मिनट पहले आंखों की खिड़कियों को खोला है कि भाई चल भाई उठ, अभी कितना सोएगा, वो बात अलग है कि रात को 4 बजे सोया हूँ। वो भी चिल्ला चिल्ला के उठाया गया है इसको। क्यों लेट हो? हाँ, आज हम लोग को जो जाना है वो है मार्केट। इस बार हम लोग को जाना है एक फॉर्मल इवेंट के लिए ड्रेस बनाने, क्योंकि वो होता है कोट पहनना। वहाँ तो शलवार कुर्ते यहाँ पे कोई चमकता हुआ धमकता हुआ तो नहीं पहन सकते, फॉर्मल इवेंट है तो कोट बनाना पड़ेगा। और आज से पहले मैंने कभी जिंदगी में कोट नहीं बनाया, मुझे कोट पहनना पसंद ही नहीं है, लेकिन अभी हमारी बहन की शादी है तो हमको बनाना पड़ेगा। ये तो क्यों थी तैयार होके चल गए मार्केट, और महंगा मिलेगा यार। तो मैं अभी मामी को लेने आए कि देख रहे थे कितना तैयार हुई है भाई, क्योंकि हमने तो आधे घंटे का टाइम बोला था और ये आधा घंटा हो चुका, तो हम देखते कितना तैयार हुई है। क्या इतना लेट कोई करते हैं आपको? मैंने आधे घंटे का टाइम बोला था। पहली बार तो कुछ टाइम पे, लेकिन तो आपको भी होना चाहिए ना टाइम पे, आप जैसे हमेशा होते, तो इस बार क्यों लेट कर दिया? क्योंकि मेरा मूड नहीं था तो मुझे जबरदस्ती ड्राइव कर रहे। हाँ तो जाहिर सी बात है, आप आए हो सऊदी अरब से खास ऑल द वे फॉर शादी, सदर जाने के लिए, तो इसलिए कराची तो कराची है ना, आप कराची आए हो ना घूमने के लिए। घूमने के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, सुबह सुबह ओमवेज का नाश्ता किया मैंने सुना आपने। हाँ सही है ना, ये पहली बार आपने किया है आफ्टर 5 ईयर कि हम दोनों ने बिना आपने ओमवेज खाए हैं। यार लेकिन आप तो उधर प्रेजेंट नहीं थे ना, मैं भी प्रेजेंट हूँ, आप भी खाया तो है ना तूने। लेकिन चलो कोई नहीं, आपको इस बात पे माफ करता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन अब तैयार जल्दी हो गए, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी चलो भाई, हटो चप्पल पहनने दो, जल्दी पहनो चप्पल। मामी ऋषभ कितनी डॉम पे, इसके चश्मे मैंने पहने हुए, इसके सामने से गुजरा बोलते रुक चश्मा लेके आती हूँ अंदर से, इसका क्या होगा यार? कुछ नहीं है, 5 मिनट 10 मिनट वेस्ट कर रही है। ये देखो आ रही है, आ रही है। क्या हुआ ऋषभ, क्या हुआ? तो तू अंदर जाके ले आना, तू मेरे सामने से गुजरी, दिखा नहीं मैंने पहने हुए, मतलब के हद्दी हो गया ऋषभ। तो मैं सबको पिक कर लिया, पप्पा उमामी और ऋषभ और फैन, मतलब जो मैं आपको बच्चे बोले थे वो पूरे हो गए, तो बस निकलते हैं हमारी वैन में बैठ के। तो भाई अभी ऋषभ ना दरवाजे के पास बैठी थी और इस महारानी ने पता है क्या किया, इसने गेट के दरवाजे से फोन नीचे गिरा दिया। ये फोन लेके आ रहे पप्पा और ऋषभ। बज गया, जा मेरा फोन। ये तो ब्लॉग था पूरा। यही वही ऋषभ। हेलो हरीश। हाँ वहाँ पे 1.5 फीट के दूर पे मैं गटर का ढकना खुला हुआ था, वो अंदर जा सकता था। ये तूने क्या किया यार, इतना सा बचा है वरना गटर में जाता। मतलब क्या ही बोले अरीशा, क्या ढूंढने जाते हैं बस कुछ, मतलब डबल डबल लक, एक तो गिरा पीछे से कोई गाड़ी इसके पास गुजरी और दूसरा गटर बराबर में इतना छोटा सा सुमन का टकना खुला हुआ था। अरीशा तेरा है ना, अल्लाह हाफिज़ से बता दूं मैं तुझे, इसका इंटरव्यू करना है? नहीं भाई अंकल, अगर आपने अगर देखा है, अगर व्लॉग देख रहे हो तो थैंक यू। पूछ पूछ कैसे अंकल, कैसे किया? फाइनली उन्होंने पार्किंग वार्किंग कर ली और ऋषभ और मामी तो निकल चुके मार्केट में। ए बाजी अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, माफ करो मामा। क्यों? तुम तो दे सकती हो मामा। दे सकती हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी तुझे दूँ। अच्छा ऐसी बात है। ये बात, ये बताओ आप आए क्यों? आप लेना है, तू जबरदस्ती लेकर आया तो बाबा बोलोगे? मतलब मैं तो बोला, मैं तो लगा आप बोलोगे तेरे तेरे लिए आई हूँ। जबरदस्ती जबरदस्ती, लेकिन कोई नहीं, आप घर में बड़े बड़े बोल रहे होते तो कुछ शुगर ही लग जाए। मैं मस्ती कर
लेकिन कोई नहीं, हम आपको एंटरटेन करेंगे, सदर की गलियां घूमेंगे ना। उस दिन भी घूमी थी मैं सदर की गलियां, मैं थक गई हूँ सदर। लेकिन हम लोगों ने पिछली बार उसके लिए ढूंढी थी ना, शर्मा कुर्ते की रात कोट है। हाँ तो वही मार्केट है, दूसरी मार्केट, वही मार्केट है लेकिन एरिया दूसरा है। असल में ये बहुत टाइम बाद आई है ना सऊदीया से वापसी सदर, तो उसको गलियां याद नहीं, लेकिन वैसे सारी याद है, पहचान जाएंगे। मैं तीसरी दफा आई हूँ पता है। तो तेरे चक्कर ही इतने लग रहे, तो सब में घुस जाती है, बीच में घुस जाती है, हमको अपना करने नहीं देती, अजीब दुल्हन बोलती है, फिर दुल्हन हूँ बात मानो। मामी यहाँ से हमारी जो हम जिस दुकान पे भी आए ना, यहाँ से हमारी 5 साल पुरानी दुकान है, जिधर मैं जब छोटा था ना, जब मेरी कोई 32 कमर थी तब मैं यहाँ से शलवार कुर्ते लाता था, और अब 42 छोटे में 32 थी, ये तो गौर करो। तो है तो है, माशाल्लाह खाते पीते करके बच्चे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अभी शलवार कमीज हो गया, सिर्फ कोट पे ध्यान देना है। तो हम उसी दुकान पे आए यहाँ पर पहले, फिर चलेंगे यहाँ से आगे। तो पप्पा यहाँ पर ना अपने शलवार कुर्ते के सारे कपड़े पड़े दिखा रहे हैं, अब ये सिलवाएंगे क्योंकि यहाँ से शलवार कुर्ते सिलाएंगे, और फिर हम लोग अपना कोट का कपड़ा सेलेक्ट करेंगे कि हमें कोट में क्या पहनना है। क्या लो रही है चाय भाई, यहाँ पर फाइनली चाय शाय आ गई है, वहाँ अलग बातें चल रही है कि क्या पहनना है क्या पहनना है। और ये देखो, ओए ओए ओए, तू शादी नहीं कर, तू चाय की होटल खोल दूँ अनिशा? हाँ दोनों मिलके करेंगे। अनिशा मेरी है चीनी रोक के मलाई ठोक के। ओए 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 ओए, अरीशा तो प्रोफेशनल है। अरीशा ये कपड़ा तो वो है जो मुझे चाहिए था, जो मैं ढूंढने निकला था। ये बेसिकली जो कपड़ा जो अंकल ने अभी रख के दिखाया ना, उस पर वही मुझे चाहिए था, उसी तरह का ही कुछ। तो मैं इनको यही ना यार डिस्प्ले पे था तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं अट्रैक्ट होकर अंदर आया, लेकिन मुझे पसंद आ गया। अब देखते हैं, अगर यही लेना है तो यही ले लेंगे, नहीं तो फिर नहीं, या फिर कहीं और जगह ढूंढ लेंगे। एक भंड हो गया यार, भंड ये हो गया कि मुझे ना, हम मुझे पप्पा को सेम पहनना। अच्छा है। अब वो उनके थान में एक बंदे का कपड़ा था, दूसरे बंदे का नहीं था। मेरा 5 गज हो रहा था, उनके पास 6 गज ये टोटल, पप्पा का नहीं हो रहा था। हम पूरी मार्केट ढूंढ लेंगे हमको उस तरह का कपड़ा कहीं मिल जाए, अगर मिल जाता है तो हम फिर सेम पहनेंगे, नहीं तो फिर इनसे मंगवाएंगे या फिर देखेंगे। मम्मी क्या करना चाहिए फिर? देख लेते हैं मार्केट में क्या मिल जाएगा, क्या बोलते हो ऐसा? मिल जाना चाहिए, मिल तो जाना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट हम यहाँ नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा कोई? हम लोग कोई ऐसी आउटलेट तो आई नहीं जाए एक ही पीस हो, ये इतनी बड़ी मार्केट है तो मिल तो जाएगा, तो ढूंढना पड़ेगा थोड़ा, तो ढूंढते और ये। तो भाई हम फाइनली अभी उन्होंने दानिश भाई को अप्रोच किया कि दानिश भाई आप ही बताओ, जो मुझे और पप्पा को सेम पहनना है वो काम मिलेगा। तो वो अब एक जगह गाइड कर रहे हैं, वहीं जा रहे हैं, अगर वहाँ मिल जाते तो वहाँ से ले लेंगे, नहीं तो फिर और ढूंढेंगे, लेकिन पहनना तो सेम है, अब तो तैयार कर लिया। चलो 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 भाई, रश छोड़ो हमको जाने दो। क्या बोल रहे हो? क्यों थक गए? हमारा भी मोस्ट प्रॉब्ली आखिरी चक्कर है भाई, अब नहीं आना भाई, अब जो लेना था अब ले लिया, आखिरी चक्कर है ऋषा आज हमारा। हाँ वो जूते देख लेंगे यार। तो भाई हम लोग उस जगह पे आ गए जहाँ पर पूरे पाकिस्तान से चीज़ें सिल के जाती है, मतलब इधर ये फुल टेलर का घर है, तो हर जहाँ नज़र डालोगे आपको टेलर ही टेलर मिलेगा। इतने टेलर है कि मशीनों की आवाज़ से सर दुख रहा है। तो ये देखो, जिस गली में जाओ टेलर ही टेलर। तो अभी हम लोग इधर आए हुए पप्पा का नाप देने के लिए, क्योंकि पप्पा तो कुर्ता यहाँ से सिलवा रहे, तो पप्पा का यहाँ पर अभी नाप हो रहा है। तो भाई हमारा नाप शाप सब हो गया, अब हम जा रहे हैं हमारे डिज़ाइन फाइनल करने दानिश भाई की दुकान पे, कि हम लोग को हमारी जो कोट की डिज़ाइन है वो क्या रखनी है, क्योंकि नाप तो हो गया, अब सिर्फ डिज़ाइन फाइनल करेंगे और फिर हमारी छुट्टी आज के दिन की। और आज मामी हमारे लिए बहुत ख्वार हो रही है। मामी हाँ कितना, कुछ पेनल्टी तो नहीं है ना मुझ पर? है तो सही। क्या सवा चार हो गए? बस मामी ने मुझे बोला है कल तुम्हें छोड़ देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, तो अभी चलते डायरेक्ट दुकान पर। तो फाइनली हमने पप्पा का एक कोट का कपड़ा ले लिया, अब बाकी मेरे वाले वो देके लेने के और फिर डायरेक्ट देके घर जाने के। तो भाई फाइनली मेरा ये डन हो गया, और अब इसकी भी कटिंग करवा के फाइनल कर रहे हैं भाई। भाई फाइनली हम लोग सब कामों से फ्री हो गए। मामी अंधेरा हो गया भाई, तुम मुझे 1 घंटे का बोल, मैं भी बोल रहा था आपको 1 घंटे लगा रहा था, 4 घंटे लगा दिए। तो अभी अरीशा को पकड़ो ना, मैं तो 1 घंटे का काम था मेरा, तो तेरा को 1 घंटे काम है, तुम अरीशा का क्या काम था, उसके थोड़ी सूट सिले। लेकिन लंबी वही कर रही थी, ये करो वो करो ये करो, खैर अभी क्या ही कर सकते, अब तो हो गया। तो बस हम लोग अभी घर जा रहे, तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते, तो मेक श्योर करना कि लाइक करो कमेंट करो शेयर करो सब्सक्राइब करो। तो अपना सारा काम हो चुका, कुर्ते का भी हो गया और कोट शूट वगैरह भी हो गया, जूते वूते लेने आएंगे तो आगे ले लेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना, तो हमें याद रखना, मिलता है वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।